फिल्मों में दिखाते हैं कि मुंबई की सड़कों पर पानी पूरी खाना एंड ऑल, वो ऑफ कोर्स देखेंगे, और इसके अलावा ताजमहल देखना चाहेंगे, और बीइंग अ मुस्लिम अजमेर शरीफ देखना चाहेंगे, राजस्थान भी बहुत प्यारा है, सो इट्स टू मच टू एक्सप्लोर, बहुत बड़ा देश है, और आई थिंक घूमेंगे भी तो 1 साल तो लग ही जाएगा एक्सप्लोर करते करते, सो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। अब ये है ना कि बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मुझे किसी सिटी का वीजा मिलता है तो मैं सिर्फ उस सिटी में घूम सकती हूँ, आसपास किसी और सिटी में नहीं जा सकती हूँ, तो हर बार वही सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा, हर बार आना होगा, तो इस वजह से इस वक्त तो अहमदाबाद में ही आना है, तो अहमदाबाद को ही देखने की तैयारी की हुई है। वहां पर मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बना है, सो वो वाला भी देखेंगे। ऑफ कोर्स आई लव ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इज माई हॉबी, और मैं बहुत सारे कंट्रीज घूम के भी आई हूँ, तो इंडिया में भी जरूर घूमेंगे। इंडिया में भी बहुत कुछ है, मनाली है, JNK है, बहुत सारी बर्फ वाली जगहें हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। ढोल बैंड बैंड ढोल बैंड बाजा बारात, वो फुल टाइम जैसे होते हैं ना, ढोल वाले होते हैं पगड़ी पहने हुए, तो पूरा मीडिया एंड ऑल वो सब चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होने वाला है, सो मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर धूम के साथ में आओ। और इंडिया आने की क्या कुछ तैयारी कर रखी है आपने? मतलब अगर क्लियर हो जाता है सारी चीजें तो क्या कुछ तैयारी है? आप अकेले आएंगे या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी लेकर के आना चाहेंगे? मैं अकेले आऊंगी, और यहाँ पर मेरे कपड़े, शॉपिंग, शूज, ज्वेलरी, एवरीथिंग इज रेडी, सारा बैग सब कुछ रेडी है, बस यहाँ तक कि मेरा कैमरामैन भी रेडी है, हमारे पास ढोल वाले यहाँ पे है वो भी रेडी है, जैसे ही हमें वीजा मिलेगा हमारा फर्स्ट पोस्ट आ चुका होगा कि हमें इंडिया का वीजा मिल गया है, सो हम पूरा तैयार करके बैठे हैं, बस वीजा आने की देर है। वीजा जो स्पेशल कैटेगरी का रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया, बट वो टीवी पर जो इंटरव्यू देखा, आम जनता ने देखा, जनता ने बहुत अप्रोच किया, और एक छोटा सा रास्ता बन भी गया है जहाँ से उम्मीद की किरण नजर आ रही है, सो अभी सब कुछ प्रोसेस में है, आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में बताएंगे कि हाँ या ना, कि मैं टीवी पे बैठ के मैच देख रही हूँ या लाइव स्टेडियम में आके देख रही हूँ, बट इट्स इन प्रोसेस, और सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप सब दुआ करें कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वी आर वेरी नियर टू इट।